नमस्ते सश्रीकाल किम छो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की सब्जी और ये बहुत ही टेस्टी है और यूनिक तरीके से बनाई गई है। आप ज़रूर देखें मटर की सब्जी। और ये आप सिर्फ विंटर्स में ही नहीं, जब भी मटर की सब्जी खाने का मन हो आप तब भी बना सकते हैं, चाहे फ्रोज़न मटर से बनाएं चाहे फ्रेश मटर से बनाएं। तो आइए देखें हमने ये मटर की सब्जी कैसे बनाई। बनाने जा रहे हैं मटर की सब्जी। इसके लिए हमने आधा कप मटर पीस लिया है, दरदरा पीस लिया है मिक्सी में, और इसमें दो हरी मिर्च भी डाल दिया है। एक कप मटर हमने हरी यूं ही ले लिया है। ये तीन बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली है। दो बड़े प्याज को बारीक काट लिया है। इसके अलावा मसालों में लिया है एक टेबल स्पून हल्दी। लाल मिर्च ले स्वाद अनुसार, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। इसके अलावा ये है गरम मसाला, आप किचन किंग मसाला या कोई भी मसाले यूज कर सकते हैं। एक टेबल स्पून लिया है। नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर एक टेबल स्पून, जीरा लेंगे हाफ टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने लिया है तेज पत्ता, दालचीनी का स्टिक और एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी चुटकी भर हींग यूज करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको डालते हैं, ये कसूरी मेथी है, रोस्टेड कसूरी मेथी, अगर आप इसको डालते हैं इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा, तो हम इसको भी एक टेबल स्पून यूज करेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे डेढ़ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद जब गरम हो जाए तेल तो हम डालेंगे इसमें जीरा और उसको क्रैकल होने देंगे, साथ ही साथ तेज पत्ता, दालचीनी स्टिक और ये बड़ी इलायची भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद चुटकी भर हींग, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज। प्याज को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। देखिए प्याज को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अक्सर व्यूवर्स क्वेश्चन करते हैं कि हमारी सब्जी अच्छी नहीं बनती है, जबकि हमने ऐसे ही बनाया जैसा कि वीडियो में बना है। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, किसी भी सब्जी की जो ग्रेवी होती है अगर आप अच्छे से भूनें तो उसमें स्वाद ज़रूर आता है। आप ये देख रहे होंगे कि ये प्याज में देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर का, और इसको भूनते भूनते 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। अब इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटर जो कि हमने पेस्ट बना लिया था, टमाटर का ये पेस्ट है। अब टमाटर को भी हम चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। हमें करना क्या है, टमाटर पकाते पकाते जब ये काफ़ी रिड्यूस हो जाए इसी वक्त हम सारे मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये धनिया पाउडर है, गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हमको इसको और पकाना है, जैसे कि मैंने बताया जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते सारा मसाला तब तक हमको इसको पकाना है। तो आपने करना क्या है, टमाटर डाला आपने, आपने थोड़ा उसको रिड्यूस किया, फिर सारे मसाले डाले। अब उसको तब तक भूनना है हमको जब तक कि वो मसाले तेल ना छोड़ने लगे। और मैं एक बात बताऊँ, अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं और ये मसाले चिपकने लगते हैं तो आप क्या करें, एक एक चम्मच करके पानी डालें और उसको चलाते रहें, लेकिन भूनना हमें उस स्टेज तक ही है जब तक उसमें आपको तेल नज़र ना आने लगे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मसाला भूनते भूनते काफ़ी हद तक ये तेल छोड़ चुका है मसाला, आप ये देख रहे होंगे पूरे पैन में। अब इसमें करना क्या है, हमको जो हमने मटर पीसा था इसको डाल देंगे और इसको भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे और इसको साथ में मिला देंगे। इसको भी हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अगर आप इसको कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, 2 सीटी में आपकी ये सब्जी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से भूनते भूनते हमें काफ़ी मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये हरी मटर और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स, साथ ही साथ इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी को हम इस तरीके से हाथों से रब कर देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और इसमें मिलाएं आधा कप पानी। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी मिलाएं, आपको गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी मिलाएं, और अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो उसमें पानी अधिक मिलाएं, और कम चाहिए तो कम पानी मिलाएं। अच्छे से दें इसको मिक्स। इसमें मैं थोड़ा पानी और मिला रही हूँ, ये देखिए मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया है। अब इसको हम मीडियम टू हाई
फ्लेम पे ढक करके पकाएंगे जब तक कि मटर गल नहीं जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 सीटी आने तक इसको पकाएं। अगर आप पैन या कढ़ाई में बना रहे हैं तो मटर को चेक कर लें दबा करके कि अगर वो पक गया है, इट्स मीन कि वो रेडी है, और ये 5 से 7 मिनट में और पक करके रेडी हो जाएगा। और ये देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। इसको अच्छे से चला लेंगे क्योंकि ये देखिए नीचे गाढ़ा गाढ़ा था, क्योंकि ये ग्रेवी पकने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें लास्ट में डालेंगे हम हरी धनिया। हरी धनिया डालें ढेर सारी, क्योंकि सर्दियों में जैसे मटर बहुत आती है तो हरी धनिया भी आती है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। बस अब गैस को करेंगे बंद और करेंगे इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए सब्जी इतनी टेस्टी बन गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है, आप ये देख रहे होंगे। और रोटी पूरी पराठे के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, हेल्दी भी बहुत है। बस अब अगर आप चाहें तो क्रीम के साथ इस तरीके से इसको सर्व करें। वाह, लुक एट दिस। और थोड़ी थोड़ी हरी धनिया से गार्निश करें इस तरीके से। हरी मटर की गर्मा गर्म ये सब्जी बनके रेडी है, इतना लज्जतदार है। जस्ट आप ये देखिए गर्मा गर्म पराठे के साथ इस तरीके से इसका लुत्फ उठाइए।